नमस्कार दोस्तों, महावतार बाबा एक ऐसा नाम है जो अपने आप में हजारों रहस्यों को समेटे हुए है। जिज्ञासु और धार्मिक प्रवृत्ति का हर शख्स बाबा जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही है, लेकिन बाबा जी असल में कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा है, इन प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बाबा की इच्छा के बिना उन पर कुछ कहना या सुनना संभव ही नहीं है। इसलिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो विश्वास कीजिए कि आप पर भी बाबा की थोड़ी बहुत कृपा तो जरूर है। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और उसके बाद उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। वर्तमान दौर में बाबा जी के सबसे प्रसिद्ध शिष्य संत श्री लाहिड़ी महाशय है। बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में आज भी लाहिड़ी महाशय का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। लाहिड़ी महाशय के प्रमुख शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य थे परमहंस योगानंद। योगानंद ने पश्चिम में सनातन का बहुत प्रचार किया था। योगानंद ने ही सबसे पहले अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पहली बार महावतार बाबा का जिक्र किया है। योगानंद जब पहली बार बाबा जी से मिले थे तो वे सिर्फ 20-21 साल के युवा नजर आ रहे थे। एक बार कुंभ के मेले में युक्तेश्वर गिरी जी की बाबा जी से भेंट हुई थी। युक्तेश्वर जी उस समय बाबा जी से दुगनी उम्र के दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया था। बाबा जी की यही खासियत है कि वो हमेशा से ही युवा हैं। योगानंद ने एक चित्रकार की सहायता से महावतार बाबा का एक चित्र भी बनवाया था। बाबा जी का वही एकमात्र चित्र सभी जगह प्रचलित है। हालांकि बाबा जी के दर्शन पाने वाले शिष्यों ने बाबा जी के रूप में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखा है। जैसे कभी उनके चेहरे पर हल्की मूछें होती हैं, तो कभी नहीं होती। उनके बाल तांबे के रंग के हैं। उनके शरीर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बाबा जी की उम्र हजारों वर्ष है। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब में बाबा जी से जुड़ी दो खास घटनाओं का जिक्र किया। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक सर्द रात में हिमालय पर अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे थे। धुने की जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी को उठाकर अचानक बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारा, जिसका कुछ शिष्यों ने विरोध किया। लेकिन तब बाबा ने बताया कि अगर ये इसी समय जलकर भस्म हो जाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता। इसके कर्म फल के अनुसार आज इसे इस समय अंगारों में जलकर भस्म हो जाना था, लेकिन ऐसा करके मैंने आज इसकी होने वाली मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ हिमालय के एक शिखर पर टहल रहे थे। तभी एक व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उनके पास पहुंचा और बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा, जाओ और कूद जाओ, लेकिन मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति भी हटी था। उसने कहा, इतनी मुश्किलों के बाद आपके दर्शन हुए हैं और आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मर जाना ही बेहतर है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति तुरंत ही खाई में कूद गया। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद दूसरे शिष्य हतप्रभ रह गए। तब बाबा जी ने शिष्यों को आदेश दिया कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर वापस आओ। शिष्य गए और शत वीक्षक शव को लेकर आए। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही अपना हाथ रखा, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और फिर दोबारा जिंदा हो गया। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, अब तुम भी मेरे शिष्यों की टोली में शामिल हो सकते हो। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि बाबा जी आखिर हैं कौन। बाबा जी के शिष्य लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महावतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के दो शिष्यों ने भी लिखा कि महावतार बाबा जी अपने पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। महावतार बाबा की एक गुफा भी है। माना जाता है कि ये गुफा वही स्थान है जहां लाहिड़ी महाशय की बाबा जी से पहली बार भेंट हुई थी। ये गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी में स्थित है। इस गुफा के दर्शन करने फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी आते रहते हैं। ये माना जाता है कि महावतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में ही रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यही दर्शन भी दिए। योगानंद ने अपनी किताब में लिखा है
कि बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों पर बाबा जी की जीवंत उपस्थिति दर्ज होती है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि बाबा जी क्या करते हैं। इसका जवाब ये है कि बाबा जी धरती के दूसरे महापुरुषों के साथ चर्चा करके मानव के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। बीच में कोई सच्चा साधक उन्हें पाने की आकांक्षा करता है तो बाबा जी उसे भी कृतार्थ करते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न अवतारों की बाबा जी सहायता करते हैं। भारत को 21वीं सदी में महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने के लिए भी बाबा जी की योजना का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अनेक संतों ने 21वीं सदी में भारत के विश्वगुरु बनने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था में सभी योगियों को भारत का भविष्य स्वर्णिम दिखाई देता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके जीवन के कुछ वर्ष भी हिमालय में अज्ञात रूप से बीते हैं। इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये अटकलें लगाई जाती हैं कि महावतार बाबा जी ने ही मोदी को हिमालय से लौटाया है, ठीक उसी प्रकार जैसे लाहिड़ी महाशय को बाबा जी ने अपने पास से लौटा दिया था, ये कहकर कि ये जन्म तुम्हें प्राणियों के बीच रहकर उनकी सेवा में ही गुजारना होगा। जिसके हाथों इस जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य लिखा होता है, बाबा जी हमेशा उसका मार्गदर्शन करते हैं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्मरण करने मात्र से इंसान को तत्काल आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। बाबा जी की महिमा इतनी है कि मेरे शब्द उसे पूरा कह नहीं सकते। बाबा जी की महिमा दूसरों के साथ भी अवश्य साझा करें। बाबा जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। यही शुभेच्छा। धन्यवाद।